नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल V2 एक्सप्लोर में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको आज एक इतना सुंदर आश्रम दिखाऊंगा, शायद ही आपने ऐसा कभी आश्रम देखा होगा। ये आश्रम छोटे छोटे कांच से बना हुआ है, रंग बिरंगे शीशा होता है जो कांच उनके टुकड़ों से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस आश्रम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम इस आश्रम की ओर। मैं आपको बता दूं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इस आश्रम की दूरी लगभग 5-5.5 किलोमीटर है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आपको इजीली ई रिक्शा ऑटो आपको मिल जाता है, और आप चाहें तो ई रिक्शा और ऑटो बुक कर सकते हैं अपने लिए केवल, या सवारी लेकर भी जा सकते हैं। ये ई रिक्शा ऑटो जो है आपको रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी अपर रोड से होता हुआ आपको आगे भीमगोड़ा खड़खड़ी होता हुआ आपको उस आश्रम तक ले जाएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं उस आश्रम में दोस्तों, और देखते हैं वो आश्रम कितना खूबसूरत है। आप स्वयं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में ही ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। इस आश्रम का नाम है दोस्तों पावन धाम आश्रम। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये। तो आइए चलते हैं दोस्तों और दर्शन करते हैं इस आश्रम के। आइए दोस्तों, चलते हैं और पावन धाम आश्रम के दर्शन करते हैं। ये एक ऐसा आश्रम है दोस्तों जो कि अंदर पूरा कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है धाम, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है ये। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, राइट साइड में जूता स्टॉल है, आप यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतार कर और अंदर प्रवेश कर सकते हैं। प्रांगण में अंदर आते ही लेफ्ट साइड और राइट साइड में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनमें कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने कुछ ऋषियों की भी मूर्तियां हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है दोस्तों। पूरा ये आश्रम जो है कांच से बना हुआ है, अंदर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां हैं देवी देवताओं की। सामने आप देख पा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति है, और ये सामने आप दर्शन करिए विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के। साइड में मिरर लगे हुए हैं दोस्तों, उसमें आप प्रतिबिंब जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक ये प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये बहुत ही अच्छा आनंद अनुभव कराता है ये देखकर, बहुत ही खूबसूरत टेक्निक। इसी तरह लगभग यहाँ पर हर मूर्ति का है। ये श्री कृष्ण और राधे जी हैं, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करिए, माँ पार्वती के भी, और आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। आइए आगे चलते हैं। ये माँ शेरावाली की मूर्ति, ये बजरंग बली जी की मूर्ति, माँ सरस्वती की मूर्ति है। दर्शन करिए और अपने आप को आनंदित महसूस करिए। अभी आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर। देखिए दोस्तों, ऊपर सामने नीचे चारों तरफ केवल छोटे छोटे कांच से बनी है ये दीवार, छत बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ।
ये चित्रण जो किया हुआ है दोस्तों, ये व्यर्थ नहीं है। इस चित्रण में कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं शंकर जी की, श्री कृष्ण जी की लीलाओं की, शंकर जी की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, अर्जुन श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं, श्री कृष्ण जी सारथी बने हुए हैं। छत पे देखिए ये छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से कितना सुंदर और भव्य बना हुआ है, क्या कलाकृति है, बहुत ही खूबसूरत बना, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, ये सरस्वती माँ जी की आकृति। अंदर देखिए दोस्तों, सिर्फ कांच ही कांच पे काम करा हुआ, मैं इसको बयान नहीं कर सकता दोस्तों। आप स्वयं अपनी आंखों से जब इसे देखेंगे तभी महसूस कर पाएंगे कि कितना आनंद आ रहा है ये आकृतियाँ देखकर, ये कलाकृतियाँ। बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया हुआ कांच से ये आश्रम, ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये शंकर भोले बाबा और पार्वती माँ की प्रतिमा, बहुत ही खूबसूरत ढंग से बना हुआ, ये संतोषी माँ की मूर्ति है। आइए आगे चलते हैं, ये एक बार फिर भगवान शंकर जी के दर्शन करिए आप। अभी ये देखिए दोस्तों, इसको देख के तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, मतलब घोड़े भी रथ भी, और उसमें श्री कृष्ण जी को बनाया हुआ है, अर्जुन जी को बनाया है रथ में, ऊपर हनुमान जी भी विराजमान हैं। इतना खूबसूरत ढंग से बनाया हुआ है कांचों के द्वारा, कांच के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत है, बिल्कुल इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना खूबसूरत बना हुआ है ये रथ छोटे छोटे कांच से मिलकर। अंदर आगे देखिए, ये शंकर जी का शिवलिंग, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करिए। चारों तरफ कांच ही कांच है, कांच ही कांच, दीवारों पे, छतों पे, चारों तरफ छोटे छोटे और सुंदर सुंदर कलरफुल कांचों से बना हुआ है ये आश्रम, और ये आकृतियां बनी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से। पूरा प्रांगण पे नज़र डालिए आप, अंदर चारों तरफ सिर्फ छोटे छोटे रंग बिरंगे कांचों से बना हुआ ये आश्रम, ये कलाकृतियाँ। ये माँ दुर्गा जी की मूर्ति, दर्शन करिए माँ के और आशीर्वाद प्राप्त करिए। जितनी भी मूर्तियाँ इनके लेफ्ट और साइड में आप देखेंगे दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये मूर्तियाँ आपको इनके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये श्री कृष्ण और राधा जी हैं, ये श्री हनुमान जी, ये राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी हैं, यहाँ पंडित जी बैठे हैं। आइए पंडित जी से प्रसाद लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से कुछ दान देना चाहते हैं तो यहाँ पे दान दे सकते हैं दोस्तों, और आपको पर्ची भी मिल जाएगी उस दान की, तो आप अगर कुछ दान देना चाहें तो यहाँ पे दान दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत बना हुआ है ये, बहुत ही खूबसूरत। देखिए एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, छोटे छोटे रंग बिरंगे कांचों से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आप हमेशा देख पाएँ और
बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो आप ही देख पाएँ। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।